हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है दिन सैटरडे और 26 अक्टूबर, और छोटी दिवाली भी है। तो आप लोग के यहाँ क्या क्या चल रहा है छोटी दिवाली पे? तो सभी के यहाँ सफाई चल रही होगी मोस्टली, और मेरी तो कंप्लीट हो चुकी है। 2-3 दिन से पहले से चल रही थी, पहले से ही शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे मैंने जो दिन में कपड़े धुले थे वो सारे सूख गए हैं, लेकिन ये हाथ वाले कपड़े थे, क्योंकि अयान के कपड़े और अपने सूट ये सब मैं अपने हाथ से ही धुलती हूँ, मशीन में नहीं डालती हूँ इनको। तो ये रखे रह गए क्योंकि सूखने की जगह नहीं थी, तो मैंने इनको शाम को सुखाया है। और अयान के कपड़े रात में पंखे में अंदर डाल दूँगी, क्योंकि रात में अयान के कपड़े मैं बाहर नहीं सुखाती हूँ। और यहाँ पर मैं सूखे वाले कपड़ों की तय बना रही हूँ, तो ये बहुत परेशान कर रहा है, अपने कपड़े खींच लेता है, अपने हाथ से तय बनाने की कोशिश कर रहा है। और आज हमको मंदिर भी जाना है क्योंकि सैटरडे है, तो सैटरडे के दिन पहले अयान के पापा घर पे प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके बाद हम लोग मंदिर जाएंगे। तो बस मुझे जल्दी जल्दी इसीलिए काम कर रही थी मैं। तो अयान के पापा ने घर वाली पूजा कर दी है, घर पर प्रसाद चढ़ा दिया है, और उसके बाद हम मंदिर गए थे। तो मंदिर में वहाँ पे थोड़ा सा हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी बाहर, तो मैं कैमरा नहीं ऑन कर पा रही थी, तो वहाँ का ब्लॉग नहीं शूट किया। वहाँ से वापस आ गए और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो पहले ये मैं बर्तन लगा देती हूँ जो यहाँ पर धुले हुए पहले से रखे हुए थे, तो ये सब लगा के। और आज मैं खाने में बना रही हूँ सेवई और गट्टे की सब्जी, रोटी, ये सब बनाऊँगी। ये सब खाने का मन है, अयान के पापा की फरमाइश है ये कि आज छोटी दिवाली है, आज ये सारे खाने बना लो। सेवई भी इनको बहुत पसंद है, मीठी वाली। तो यहाँ पे मैं सेवई को पहले घी से भून ले रही हूँ अच्छे से। पहले ये पहले से ब्राउन ब्राउन होती हैं, बट इनको जब भूनते हैं अच्छे से फ्राई करते हैं तो इनका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो इनको अच्छे से एक बार घी में फ्राई कर ले रही हूँ मैं। और उसके बाद मैंने ये दूध बचा के रखा था दिन में सेवई के लिए, मतलब एकदम गाढ़ा मलाई वाला दूध है, इसी में सेवई अच्छे से बनती हैं। तो ये देखिए भुन गई हैं और इनका कलर चेंज हो गया है भुनने के बाद। और वहाँ पे मैंने दूध और दूध में एक ग्लास पानी मिक्स करके बॉईल होने के लिए रख लिया था। तो ये देखिए ये दूध रखा हुआ है, और जैसे ही ये बॉईल होने लगेगा वैसे ही मैं इसमें ये सेवई डाल दूँगी। और बस यहाँ पे मैंने पलट ली है थाली में, तो अब ये सेवई का जो दूध है वो बॉयल होने लगा है, तो इसमें मैंने सेवई को डाल दिया है। अब इसको मुझे मतलब बार बार चलाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी फ्लेम को एकदम मीडियम कर दूंगी, धीमी आंच कर दूंगी, तो ये आराम से पकती रहेंगी धीमे धीमे, और तब तक मैं बाकी काम कर लूंगी। तो यहाँ सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है, और बेसन में थोड़ा सा डाला है नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पिसी हुई, और थोड़ा सा जो है हींग डाली है। और जैसा आटा मारते हैं ना रोटियों का, उससे टाइट मारना है इसको। और इस तरीके से ये बेसन मर गया है, और इसमें मतलब छोटे छोटे पेड़े टाइप के बना लेंगे इस साइज के, चपटे चपटे। और कढ़ाई में मैंने पानी भी बॉईल कर लिया, अभी दिखाया आप लोगों को, तो उसी बॉईल पानी में मैं इनको डाल दूंगी। तो ये बॉईल पानी में अच्छे से पकते रहेंगे, और इनको तब तक पकाना है जब इनका कलर चेंज हो जाएगा, जो ये बेसन का कलर है ऊपर वाइट वाइट सा दिखने लगेगा, तब ये अच्छे से पक जाएंगे, पानी भी जल जाएगा। तो ये पक रहे हैं, और यहाँ ये बेसन वाली थाली है, मैं इसको धुलूंगी नहीं क्योंकि बेसन वैसे भी अच्छा होता है, तो इसी में मैं आटा गूंथ लूंगी रोटियों के लिए, इसलिए मैंने थाली को धुला नहीं है। तो बस यहाँ पे ये जो है गट्टे पक के तैयार हो गए हैं, ये देखिए इनका पानी जो था वो सारा जल गया है। और सब्जी के लिए मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं दो प्याज, एक टमाटर है, 2 लहसुन है, थोड़ा सा अदरक है जिसका पेस्ट बन जाएगा, और धनिया की पत्ता भी ले आई हूँ मैं थोड़ी से धुल के सब्जी में जो बाद में डालूँगी। तो यहाँ पे प्याज और टमाटर को सबसे पहले मैं ग्राइंड कर ले रही हूँ, सेम पनीर की तरह ही इसमें टमाटर और प्याज पड़ता है, लेकिन टमाटर इसमें थोड़ा कम पड़ता है, जैसे पनीर में ज़्यादा डालते हैं 2-3 टमाटर डाल देते हैं, बट यहाँ पे एक ही डालूंगी मैं। और ये गट्टे जो हैं उनको पनीर की तरह ही छोटा छोटा पीस कर लेना है, जैसे पनीर के पीस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सा काट लिया है इस तरीके से साइज में, और फिर जैसे पनीर को फ्राई करते हैं वैसे ही इसको ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और गट्टे की सब्ज़ी मुझे तो बहुत पसंद है, इनको भी अच्छी लगती है, और मैंने देखा है राजस्थान में गट्टे की सब्ज़ी बहुत खाई जाती है, वहाँ की फेवरेट सब्ज़ी है। तो यहाँ पे मेरी सेवई में मतलब पकने को हो गई है, बिल्कुल थोड़ा सा रह गई, तो मैंने इसमें चीनी डाल दी है। और चीनी मैं कभी भी, भले ही पैकेट वाली चीनी है, बट मैं प्लेट में लेके एक बार चीनी को देखती जरूर हूँ कि उसमें कुछ कूड़ा कचड़ा तो नहीं है, उसके बाद साफ करके चीनी डालती हूँ। और इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी डाल दिए हैं मैंने, काजू और बादाम कट करके,
तो बस ये थोड़ा सा मेवे भी पक जाएंगे, उसके बाद मैं बंद कर दूंगी गैस को। और सेवई तैयार है और यहाँ पे मैं अब फ्राई कर रही हूँ गट्टों को। और मैंने टमाटर और प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट ये सब ग्राइंड करके रख लिया साथ ही साथ में, ताकि अब सब्जी बस छौंकने के लिए रह जाएगी। तो ये देखिए एकदम सुनहरे हो गए हैं ये भुनते भुनते, पहले उनका कलर दूसरा था, तो ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसी तरीके से जब भूनते हैं तो सब्जी अच्छी बनती है। और ये कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा बेसन जल गया है तो ये सब्जी में कलर दिखेगा इसका, तो मैं इसको तेल को पलट ले रही हूँ कटोरी में ऊपर ऊपर का। और उसके बाद ये अब ये साफ़ करते आराम से बन जाएगा कूड़ा कचड़ा, तो मैंने निकाल दिया वरना सब्जी में एक गंदा सा कलर दे देता, अलग जले जले से रहते उसमें। तो यहाँ तेल गरम कर दिया है, इसमें मैंने डाला है हींग और जीरे से छौंक लगा दिया है, और उसके बाद ये जो ग्राइंड किया हुआ प्याज है वो डाल दिया है। और प्याज जैसे ही अच्छे से थोड़ा सा पक जाएगा तो इसमें मैं डाल दूंगी लहसुन और अदरक का 1 चम्मच भर के पेस्ट। और प्याज पक गई है देखिए, इसका सारा पानी जल गया है। और इसमें मैंने डाल दिया है हल्दी और धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, ये सारे मसाले डाल दूंगी, सब्जी मसाला। और उसके बाद ये टमाटर डाल दिया है, और टमाटर को थोड़ा सा पकाने के बाद ही मिर्च डाला है मैंने बाद में। और इसमें मैंने थोड़ी सी डाली है कस्तूरी मेथी, क्योंकि अच्छा टेस्ट देती है ये, एक अच्छी खुशबू आ जाती है उससे। और थोड़ी सी जो कलर वाली मिर्च होती है, कश्मीरी मिर्च जिससे कलर आता है इसमें सब्जी में, वो थोड़ी सी डाल दी है, जरा सी ही डाल दी है, आधी चम्मच से भी कम। और जो गट्टे थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। और सब्जी को पूरा अच्छे से फ्राई करके बस इसमें छोटे वाले गिलास से 1 या 1.5 गिलास पानी डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, और बस इसको अच्छे से पकने देंगे थोड़ी 5-6 मिनट तक। जब ये पक जाएगी तो बस गैस बंद कर देंगे और तैयार हो जाएगी सब्जी गट्टे की। तो पूरा खाना तैयार हो जाए फिर मैं दिखाती हूँ कि कैसी किस तरीके से बनी है सेवई सब्जी। और यहाँ पे मैं आटा लगा लेती हूँ। तो यहाँ गट्टे की सब्जी बनके तैयार हो गई है, मतलब पकने को आ गई है। ये देखिए एकदम जितनी ग्रेवी होना चाहिए, जो जिस हिसाब से होना चाहिए वैसी दिख रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और मैंने इसमें धनिया की पत्ती भी डाल दी है। और रोटी मैं थोड़ा देर से बनाऊंगी, पहले मैं दीपक जला के रख देती हूँ, क्योंकि आज छोटी दिवाली नरक चौदस है, तो 7 दिए जला दूंगी। दिवाली पे तो बहुत सारे जलते हैं दिए, जितने जलाना चाहो उतने जला लो, लेकिन हाँ आज के दिन मैं 7 दिए जला दूंगी। धनतेरस में भी मैंने 7 दिए ही जलाए थे, तो वैसे ही मैं रख दूंगी गेट पे और बालकनी में, किचन में और पूजा घर में, तुलसा जी में, सब जगह मैं दिए रख दूंगी। तो यहाँ पे बालकनी में मैंने दीपक रख तो दिया है, बट थोड़ा सा रिस्की क्योंकि अयान के कपड़े पड़े हुए हैं, अब इनका पानी सूख गया है, क्योंकि हाथ के धुले वाले कपड़े जल्दी नहीं सूखते, मशीन वाले तो सूख जाते हैं जल्दी, तो इनका पानी निकल चुका है। तो मैं इनको अंदर पंखे में डाल देती हूँ, और साइड वाले कपड़े मैंने छोड़ दिए हैं, वो वाले अंदर नहीं डाले हैं क्योंकि वो तो सूखते रहेंगे, केवल अयान के कपड़े मैं नहीं डालती हूँ रात में बाहर। तो बस यहाँ पर मैं रोटियाँ बना ले रही हूँ, बाकी खाना तो तैयार हो चुका है, केवल रोटियाँ ही रह गई हैं। तो रोटी मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ, मतलब 6-7 रोटी ही बना लूँगी, क्योंकि सेवई भी है तो फिर रोटियाँ उतनी नहीं खपेंगी, फिर बच जाती हैं 1 या 2 रोटी बच जाती हैं, तो मैं वो सुबह कौवे को डाल देती हूँ, सुबह सुबह मतलब रात में निकाल के रख देती हूँ और सुबह वहाँ पे बालकनी में रख देती हूँ, तो कौवे खा जाते हैं रोटियों को। तो बस यहाँ पे सिक गई हैं मेरी रोटियाँ, पूरा खाना मतलब तैयार हो चुका है, और ये बनाया है आज का यही है डिनर, गट्टे की सब्जी, सेवई, रोटी, देखिए कितना यमी लग रहा है ना। तो आ जाइए फटाफट डिनर करने के लिए, मुझे तो खाना देख के बहुत भूख लग रही है, और आप लोगों को भी खाना है तो फटाफट आइए और डिनर करिए आके, और आई होप बहुत यमी होगा, मुझे तो यमी दिख रहा है खुशबू, क्योंकि बहुत अच्छी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, और कमेंट्स के माध्यम से बहुत सारी तारीफ भी सुनने की मिलती है, चाहे वो रमा की हो चाहे मेरी हो, सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि कुछ कमेंट्स अब उसमें नेगेटिव भी रहते हैं, ये बात अलग है कि हाँ 100 कमेंट्स अगर पॉजिटिव आते हैं तो 1 या 2 नेगेटिव कमेंट भी आता है। तो जनरली होता क्या है कि जब ये नेगेटिव कमेंट को पढ़ती है तो ये मुझसे बोलती है कि क्या मुझे ब्लॉगिंग, मतलब ये इसको इतना बुरा लगता है नेगेटिव कमेंट्स पढ़ के कि क्या मुझे ब्लॉगिंग छोड़ देनी चाहिए। तो फिर मेरे को बस एक ही चीज मैं इसको बोलता हूँ, मैं इसको वही एग्जांपल देता हूँ, मुझे लगता है कि वो एग्जांपल यहाँ फिट बैठता है कि यार देखो यार ये ना, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये देखा जाए तो एक तरह से शादी का लड्डू है, जिसको आप खाओगे तो भी पछताओगे, नहीं खाओगे तो भी पछताओगे। तो बेटर
तो बेटर है कि खा के पछताने में फायदा है, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट आपका पेट भरा हुआ है। अब होता क्या है ब्लॉगिंग में, क्या होता है, जब जब तक ये ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी तो ये बोलती थी अपने मन में, कुछ ना कुछ सोचती थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे लाइफ में कुछ करना है, मतलब मैं कुछ कर सकती हूँ, तो बेटर है कि जो मेरी एबिलिटी है मैं उसको यूज करूँ और मैं कुछ लाइफ में करूँ। तो उस समय तब भी ये पछता रही थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अब जब कर रही है तो एक दो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो थोड़ी सी निराशा इन्हें होती है। तो वही मेरा एग्जाम्पल यहाँ फिट बैठ रहा है कि बेटर है कि आप खा के पछताओ, बिना खाए क्यों रह जाओ, पछता रही थी ना तुम तब, ठीक है। अब जब वो चीज तुम कर रही हो तुम पछता रही हो। ना पछता रही हूँ, मैं तो बस इतना बताया था कि कभी कभी ऐसे ऐसे कमेंट आ जाते हैं। ये नहीं कहा था कि लड्डू की तरह पछता रही हूँ, लड्डू खा के पछता रही हूँ, ये इनका एक कदम आगे चलता है। नहीं, मैं इससे बेटर एग्जांपल दे नहीं सकता था, वो मेरे समझाने का तरीका था। तो चलिए, आज आप लोगों ने छोटी दिवाली कैसी मनाई है ये मुझे जरूर बताइएगा, और कल की दिवाली की क्या क्या तैयारी कर ली है मुझे भी शेयर कर लीजिए, ताकि मेरी जो बची खुची हो वो मैं पूरी कर लूँ। शायद मेरे को कुछ ना बताओ तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि ये ब्लॉग आ जाएगा कल दोपहर तक आ जाएगा। तो चलिए आज का ये वाला ब्लॉग यही एंड करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जितना हो सके पटाखों और बमों से, कौन से बम आते हैं देशी बम, इन सभी से दूर रहिए, खास करके बच्चों को दूर रखिए, बच्चों का पूरा ध्यान रखिए। बमन वो अलग चीज है, बमन से दूर रहिएगा, पटाखों से दूर रहिएगा। पटाखों को क्या बोलते हैं, अरे पड़ाका, पड़ाका पड़ाका और बमन से दूर रहिएगा। जब तक एक कुकड़ी जागे ना जाए, इसने बहुत सारे वीडियो देखे कॉमेडी के। ऑन ए वेरी सीरियस नोट, ठीक है, वो हो गया। ऑन ए वेरी सीरियस नोट, पटाखों से दूर रहे जितना हो सके, और बच्चों का ध्यान रखें, खासकर कि बच्चों का ध्यान रखिए। और चलिए, आप सभी को हैप्पी दिवाली, बहुत एंजॉय करिए और अच्छे से मनाइए। कल बोलेंगे हैप्पी दिवाली, आज छोटी दिवाली। नहीं नहीं, हम कल, हम जब हमारा हाँ। अच्छा कल बोलेंगे, कल हम कल ही बोल रहे हैं, वो लोग कल ही तो जाएगा। हाँ, बोल रहे हैं। ये क्या ये पता नहीं, तू दिवाली के बाद बोलेगी हिसाब से। चलिए, तो यही ब्लॉग को एंड करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।